हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं 3 डेट्स प्लस। दोस्तों, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ CDS की अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया है, जो कि कल 8 नवंबर से शुरू हुआ है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो है 4 दिसंबर 2017 है। तो अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है तो प्लीज़ इसका आप वेट कर रहे हैं तो फॉर्म भरिए। और इसका फीस पे डिटेलिंग जो है देख लीजिए, एग्ज़ाम का डिटेल इन्होंने है, 4 फरवरी 2018 को इसका एग्ज़ाम होना है और 200 रुपया फीस है, जो कि OBC और अनरिजर्व मेल कैंडिडेट को ही फीस पेमेंट करना है। यहाँ पे भी SC ST और फीमेल को छूट मिला हुआ है, ठीक है, PH को भी। तो केवल केवल अनरिजर्व OBC और अनरिजर्व मेल को ही 200 रुपया फीस पेमेंट करना है। एग्ज़ाम डेट मैंने बताया ही, 4 फरवरी 2018। एडमिट कार्ड जो है जनवरी 2018 से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन वो देख लीजिए। इसमें पास्ट या अपियरिंग आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री OTA के आपके पास होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 आपके पास, 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके हैं, अलग अलग ट्रेड से हैं, ये एलिजिबिलिटी है, आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास है तो प्लीज़ फॉर्म जरूर भरिए। ये टोटल वैकेंसी की डिटेल है, 414 वैकेंसीज हैं, जिसमें IMA में 100 है, INA में 45, एयरफोर्स में 32, OTA में 25 है, और OTA वीमेन में 12 सीट्स हैं। तो ठीक है, देख लीजिएगा। एज का डिटेल यही है कि आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1995 से 2000 के बीच में होना चाहिए, और OTE के लिए एज का डिटेल ये है। तो आप देख लीजिएगा, एक ये इसका नोटिफिकेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ पाज करके इसका एक बार टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं या एक दो बार दिए हुए हैं CDS, तो आपके मोस्टली मोस्टली चीज़ें पता होंगी, बस डेट्स वगैरह ज़रूरी हैं। तो आप देख लीजिएगा, लास्ट डेट 4 दिसंबर है। अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे साइट दिया हुआ है, इस साइट से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हुआ है। और वही बेसिक इंस्ट्रक्शन, एग्ज़ाम में क्या चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक बॉल पेन वगैरह होना चाहिए आपके पास, OMR फिलअप करने के लिए। मोबाइल वगैरह कैसे प्रतिबंधित है उन्होंने वो दिया है। सीट्स के एक बार डिटेल देख लीजिए, सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में 100 सीट्स हैं, ठीक है। इंडियन नेवल अकेडमी में 45 सीट है, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में 32 सीट है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी यानी OTA में 225 है, ये मेल्स के लिए है, और ये फीमेल्स के लिए 12 सीट है, ठीक है, OTA में ही। तो एक बार ये सीट्स का आप डिटेल देख लीजिए, बाकी आपको जहाँ अप्लाई करना होगा आप वहाँ प्रेफरेंस दे लीजिएगा, अगर प्रेफरेंस मांगता है तो ऑनलाइन में। सेंटर कहाँ है ये एक बार देख लीजिए, आपका जो स्टेट हो। यहाँ पर मैंने UP के सेंटर्स को हाईलाइट किया हुआ है, साथ में दिल्ली है यहाँ पर। बाकी ये सारे सेंटर्स की डिटेल है, जहाँ भी आप एलिजिबल हो, अगर पहली बार भर रहे हैं तो आप डिटेल देख लीजिए, नहीं तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ सेंटर मिलता है, ठीक है। बस ये कुछ कंडीशंस हैं कि अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड नहीं हो तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आप एक बार टर्म्स पास करके इसे देख लीजिएगा, बस यही सब है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ फॉर्म को फिलअप करें। ये आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैंने अभी बताया ही ऊपर कि कैसे क्या, बैचलर डिग्री या अपीयरिंग डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ केवल केवल OTA के लिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ फॉर्म जरूर भरिए। अगर आप वेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फ़ीस का डिटेल वही है, 200 रुपया है, जो केवल केवल अनरिजर्व और OBC मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और इस साइट से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो यह साइट भी देख लीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लास्ट डेट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये 4 दिसंबर है। और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जो भी CDS देने वाले हैं, कि आ गया है, कुछ भी कमी हो हमारे वीडियोस में तो कमेंट करके बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।